सो नाजरीन, अब तक के 6 एपिसोड में हम लोग ने लाहौर से लेकर कागान वैली तक का सफर किया और फिर बाबूसर पास से होते हुए हम लोग पहुंच गए रायकोट के मुकाम पर। तो अब यहां से चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। सो गुड मॉर्निंग नाज़रीन, आज रायकोट में हमारा सुबह सुबह का आगाज़ है। रात वैसे तो गर्मी लग रही थी लेकिन आधी रात को बहुत सर्दी हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो हमने रात गुजारी है। तो अब हम जो है वो अपनी जल्दी से पैकिंग शेकिंग करते हैं। कपड़े हमने अपने जो है सुबह सुबह धो के लटका दिए थे, अभी सूख जाएंगे और फिर कैंप शैम पैक होगा। तब तक जो है हम अपना से जल्दी से नाश्ता करते हैं और मैं अपने नूडल्स शूडल निकालता हूँ और उसके बाद खाना शाना खा के हम निकल पड़ेंगे अपने अस्तोर की तरफ। उम्र हो गया बहुत ज़्यादा लेट, मेरी हो गई तैयारी पूरी। मैं करने लो जिप पैक और जा रहा हूँ बाइक पे। इसको लगे रहने देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लो जी, सीन रेडी हो गया, बाइक शेक तैयार हो गया, अब बैठते हैं और निकलते हैं ऊपर। सो ये है रायकोट ब्रिज से सिर्फ 1 मिनट से फासले से पहले हम लोग रात रहे थे और अब हम जाने लगे हैं रायकोट ब्रिज को क्रॉस करने। यहाँ से अब राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये ट्रैक जो है फेरी मेडोज का स्टार्ट होता है, वो जीप जो ऊपर खड़ी है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग द फेमस रायकोट ब्रिज। यहाँ से स्टार्ट होती है क्राकरम हाईवे, खूबसूरत तरीन। अब शुरू हो गए हैं देवनुमा पहाड़, जो आपको लगता है कि आपको खाने को पड़ रहे हैं जैसे। अब बताएं नाज़रीन कैसा रोड है, सामने से खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं आपको। नरमो मुलायम रेशम की तरह रोड है, जिसको किसी ज़माने में शारा रेशम भी कहते थे। ओल्ड सिल्क रूट जो कि कभी गुजरा करता था यहीं से आसपास से। और मज़े की बात, देर इज़ नो ट्रैफिक, सीज़न इज़ ऑलमोस्ट ओवर और हम लोग निकल पड़े हैं सर्दियों में यहाँ पे जाने के लिए। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। जी बोर्ड आ गया है अस्तोर का, यानी कि आगे तकरीबन हमने राइट साइड पर होना है तो हमारी अस्तोर की रोड स्टार्ट हो जाएगी। 44 किलोमीटर है जनाब यहाँ से अस्तोर, और रामा मेडोज 54 किलोमीटर है, तो हमने रामा जाना है आज। सो नाजरीन हम अब होने लगे हैं अस्तोर की तरफ। तो क्राकरम हाईवे से रायकोट ब्रिज से तकरीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद आप कितना रोड आ गई है अस्तोर की, और अब ये अस्तोर की रोड भी एंटर हो गए हूँ। देखने में तो रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है स्टार्ट में, देखते हैं कब तक ऐसा जाता है। लग रहा है बिल्कुल फ्रेश बना है, अभी कारपेट रोड है प्रॉपर एकदम। जनाब कट्स आ गए हैं। अच्छा ये भी अब डाउनवर्ड हिल है सारी, हमने नीचे की तरफ जाना है,
स्ट्रक्चर में ये ऊपर थी अस्तर नीचे जा रहा है। वाओ नाजरीन, ये है पुल। वो ऊपर अगर आप देखें मेरे राइट साइड पे तो है क्राकरम हाईवे, और इधर भी माइटी इंडस रिवर, और इधर भी माइटी इंडस रिवर है नाजरीन। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एंजॉय करते जाओ करते जाओ। जनाब तो जो कारपेट रोड था वो ऐसा तो हो गया ख़त्म। अब ज़रा ये मिलता जुलता ही रोड आ रहा है, बीच में छोटे छोटे से पैचेस हैं, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा ख़राब रोड नहीं कह सकते। पतला सा रोड है और एक तरफ फुल टाइम चटाने हैं, और नीचे आपका इंडस्ट्री रोड गुजर रहा है। ओ माय गॉड, नीचे तो देखते ही जान निकल जाती है। मैं तो भाई सड़क इस तरफ ही हो जाता हूँ, जब गाड़ी सामने आने लगती है फिर मैं इधर रहता हूँ। यार ये पहाड़, ये गहराई, ये दरिया, और ये एक आवारा लड़का, क्या बात है क्या बात है। ओके जी, तकरीबन 50 मिनट बाद ये चेक पोस्ट आ गई है, पुलिस चेक पोस्ट और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क भी है। और अगर हम जगह देखें तो ये क्या है, गुतमुसर वैली, डिस्टेंस फ्रॉम अस्तौर बाज़ार 18 किलोमीटर है, कंडीशन ऑफ रोड अनमेटल्ड है, टेंटेटिव ट्रेवल टाइम 55 मिनट, ब्यूटीफुल अल्लाह वाली लेक। वाह यार इधर जाना है, अल्लाह वाली लेक। जी छोटा सा एक ब्रेक किया है उमर की फरमाइश के ऊपर, धूप है वैसे तो इस टाइम, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, देखो गांव गांव जाता है नीचे रास्ता, नीचे से ये रास्ते अल्लाह वाली लेक कहाँ जाना है हमने, वो यहाँ से जाता है होते हैं, पहले उधर चले जाएं। And I know, time flies by so fast, still I'm thinking of you. 10 मिनट हो गए आते हुए, 11:10 हो गए। हमने 11 बजे स्टार्ट किया था सफ़र अस्तौर से टूवर्ड्स अल्लाह वाली लेक। हुई तो पत्थर भी आ रहे हैं ऊपर से, तो लैंड स्लाइडिंग हल्की हल्की हो रही है, तो बच बच के चलना पड़ेगा। अभी तक 11:23 हो चुके हैं, तकरीबन हमें आधा घंटा होने वाला है, और सड़क माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आती जा रही है। अगर आप मुझसे पूछे बस यहाँ आ सकती है या नहीं, आ सकती है अगर कंप्लीट हो जाए तो, लेकिन वैन जो है हाईएस्ट वगैरह वो आ सकती है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप फोर व्हील ड्राइव के ऊपर ही आएँ यहाँ पर, या जीप के ऊपर, या अगर आपके पास लैंड क्रूज़र है या BRB वगैरह। ज़बरदस्त, ये सारे गांव हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अभी एक घंटा हो गया है हमें अपना सफ़र स्टार्ट किया टूवर्ड्स अल्लाह वाली। 11 बजे हम अस्तौर की चेक पोस्ट से निकले थे, 12 बज गए हैं, और हमने तकरीबन 10 किलोमीटर तय किया, यानी कि एक घंटे में 10 किलोमीटर हुआ, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% तो वो था जो सही कंक्रीट वाली रोड बनी हुई थी। इसका मतलब है जो अगले 10 किलोमीटर हैं ये इस तरह की गंदी रोड के ऊपर हमें 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा अगले 10 किलोमीटर में। रास्ता अब बहुत ज़्यादा ख़राब और मुश्किल हो गया था, इसलिए यहाँ से बाइक फिर स्लो स्लो चलाकर हम आगे बढ़ते रहे।
पत्थर इतने ज्यादा थे कि कभी मेरी बाइक फंस जाती और कभी उमर की। वाओ, क्या ब्यूटीफुल लेक आया यार। बहुत गंदी रोड है, जीप के भी रोड नहीं है ये। यहाँ पैदल किया या बाइक किया, लेकिन वो जो नीचे से आया हूँ ना मैं, यहाँ पर इतना भीड़ है, बाइक पे डबल बैग है, फंस गई थी बाइक बहुत ज़्यादा। ये देखिए पता है, लोकल बच्चे वगैरह आ गए, इन्होंने बाइक को धक्का वगैरह लगाया तो मैं ऊपर आया हूँ। बहुत गंदे पत्थर हैं, ये तो फिर साफ आ गई है, बहुत ज़्यादा उधर गंदे पत्थर थे। बहरहाल वो कहते हैं ना, एक मुश्किल सफ़र के साथ फिर एक खूबसूरत डेस्टिनेशन भी मिलती है। थोड़ा सा बाइक को ठंडा करते हैं, यहाँ पर बहुत जान लगाई है बाइक में, और बैग शैग भी जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, यहाँ से भी फट भी गया है, टेढ़ा हो रहा है। जब तक बाइक ठंडी हो रही थी, हमने भी फिर चश्मे के ठंडे पानी से अपने आप को फ्रेश कर लिया। 50 मिनट हो गए हैं, बहुत मुश्किल रास्ता, बार बार ब्रेकें लगाने पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। ओह माय गॉड, फिर आगे आ गए हैं एक दफ़ा, फिर इधर बाइक फंस जाती है, और इतने नुकीले पत्थर हैं कि अगर आपके टायर आपने मोटे नहीं लगवाए हुए ना, तो आपकी बाइक बार बार जो है ना उलट सकती है। डिफ़िकल्ट रूट्स ऑलवेज लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। और यूं तकरीबन 2 घंटे का ये कठिन सफ़र तय करते करते हम एक पॉइंट पे पहुंच गए, जहां पे जाके रोड ख़त्म हो गई। बोला है यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, उमर का वेट कर लेते हैं। उमर अभी पीछे रह गया, ये रोड सामने बंद है, वो दरवाजा है, वो उमर आ रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे पुल के पास आके रास्ता बंद हो गया, ख़त्म हो गया। मैप में चेक करता हूँ, वो सामने एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो बंद है, ये सड़क भी आगे से बंद है, और पता नहीं कहाँ जाता है रास्ता। मेरा ख्याल है हमें बाइक यहाँ पे पार्क करके फिर जाना पड़ेगा आगे, इतना सामान है कैसे छोड़ के जाएँ यहाँ। वो एक बंदा आ रहा है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह वाली लेक जाना है हमने, कितना यहाँ से बाइक नहीं जाती आगे, तो यहाँ पे खड़ी करके जाना पड़ेगा, कितना ऊपर है यहाँ से पैदल? 2-3 मिनट। ये सामने ही लेक है बिल्कुल, इसके ऊपर उधर उधर खड़ी कर लें, बेहतर है उधर खड़ी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, 11 बजे सफ़र स्टार्ट किया था असौर चेक पोस्ट से, 1 बजे हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे, और यहाँ पे हमने अपनी बाइक्स को जो है वो पार्क कर दिया, और अब उस रास्ते से होते हुए हमने ऊपर जाना है। लोकल लोग जो हमें कह रहे हैं तकरीबन 5-7 मिनट की सिर्फ जो है वो ट्रैकिंग है, उसके बाद आपको जो नज़ारा है वो मिल जाएगा अल्लाह वाली लेक का। सो लेट्स सी। कितना जबरदस्त रास्ता है,
तो वो जो बड़ा पत्थर है, दैट इज़ द व्यू पॉइंट, जिसके ऊपर जाके देखते हैं कैसा सीन आता है। वैसे अगर जून जुलाई में आओ तो तब है असल में ये जगह आने की। एक तो ये सारा जो प्लेन है ये बिल्कुल ग्रीन होता है, और दूसरा जो पानी होता है वो ब्लू कलर का, सारी जो इसमें वो स्ट्रीम्स बनी हुई हैं उनमें फिल होता है। नाजरीन, उमर ने जो है बिल्कुल सबर नहीं किया, कॉफ़ी की स्मेल से इससे रहा नहीं गया, वो सॉस पैन में ही जो है ना वो दस्ती पीना शुरू हो गया। हाय 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 हाय, क्या मज़ा है यार। उमर, दीज आर आवर लाइफ टाइम मोमेंट्स बेबी, चीयर्स। पहाड़ के कोने पे बैठकर हमने कॉफ़ी एंजॉय की, और इस खूबसूरत वादी के ऊपर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखकर महसूस होते रहे। और हाँ, इस जगह को अल्लाह वाली लेक कहते क्यों हैं? ये है जी अल्लाह वाली लेक। इसको अल्लाह वाली लेक इसलिए कहा जाता है कि इसमें पानी के जो डिफरेंट चश्मे हैं, जो डिफरेंट जगहों से पहाड़ों से उतर के इस प्लेन जगह पर आते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से कट बना के नीचे की तरफ जाते हैं। जब वो कट बनाते हैं तो वो जिग जैग होके एक अल्लाह का जो वर्ड है, अल्लाह का जो अरबी का लिखने वाला वर्ड है, उसकी शेप बनाते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। तो इन कट्स की वजह से और इस शेप की वजह से इसको अल्लाह वाली लेक कहा जाता है। उमर तो खड़ा है पहाड़ के ऊपर, आए आपको नीचे कुछ और सीन दिखाता हूँ। लो जी, पैसे पूरे हो गए हैं। अल्लाह वाली लेक आकर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उमर ने मुझे जल्दी डाली हुई है, इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। एनीवेज बहुत मज़ा आया, आई थिंक आपको भी, बल्कि आई एम 100% श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा वीडियोस देख के, और आपका भी अब ज़रूर दिल करेगा यहाँ पर आने को, ज़रूर आएँ। लेकिन रास्ता बहुत जो है वो बाइक के लिए जो है ना वो ख़तरनाक है, ख़तरनाक नहीं मैं कहूँगा, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं और पत्थरों के साथ चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा बाइक फंस जाती है। चलो जी, बाइक वाला पॉइंट आ गया, अब जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नीचे वापस अस्तौर की तरफ। जी वापसी का सफ़र हो गया है, एक दफ़ा स्टार्ट, स्लो स्लो जाएंगे, 3:45 हो गए हैं और सर्दी भी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, पत्थर अब बहुत गंदे हैं, हमने बहुत ही एहतियात से जाना है। तो फिर उन्हीं पत्थर वाले रास्तों से गिरते पड़ते तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग अल्लाह वाली लेक से पहुंच गए उसी अस्तौर वाली चेक पोस्ट के पास। और नाजरीन, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वापस अस्तौर की चेक पोस्ट पे, और अब रवा दवा है जनाब अस्तौर शहर की तरफ। अब आ गए हैं हम अस्तौर बाज़ार में, दोनों तरफ जो है वो ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, नॉर्मली यही दुकानें हैं कुछ खाने पीने की भी हैं। लो जी ऊपर जाना जी ऊपर, अच्छा यही था,
कामरान होटल सकारदू नहीं अस्तौर। तो जी कामरान होटल के अंदर हम आ गए हैं। 3 बेड का रूम है, 1000 रुपीज़ पर नाइट। अस्तौर में रामा लेक की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ। चलो शाम को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, अभी थोड़े बैग शैग उतारते हैं, हेलमेट भी नहीं उतारा अभी तक, बैग शैग ले करते हैं। लो जी शाम हो गई है और ये पोलो खेलते हुए बाइक जन हमारे पीछे खड़े हैं और हम लोग थोड़ी सी वॉक करने निकले हैं स्टोर बाज़ार में, कुछ खाते पीते हैं अगर कुछ मिल गया तो, वरना फिर स्नैक्स स्नैक्स ही खा लेंगे। वो सब पूछते हैं और सुबह का प्लान भी बनाना है, हमें कुछ भी नहीं पता सुबह जाना कहाँ हमने, वो भी ज़रा लोगों से पूछते हैं क्या करना है। यार ये है कुछ रेस्टोरेंट बना हुआ। तो रेस्टोरेंट ओनर के साथ हमने अगला प्लान डिस्कस किया और चाय पीकर सो गए। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे अस्तौर से और विजिट करेंगे रामा मेडोज और रामा लेक।